सेटअप के लिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। दिस पर्टिकुलर थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट वन थिंग दैट यू डोंट नीड टू इवन बाय, दैट यू ऑलरेडी हैव, और वो है लाइटिंग। आपके पास में बढ़िया से बढ़िया कैमरा हो सकता है। मैं भी कैनन 200D Mark II पर शूट कर रहा हूँ। इसी वीडियो के आगे मैं आपको मेरे मोबाइल से भी सेम वीडियो शूट करके दिखाऊंगा, जस्ट टू गिव यू अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कि ऑल दो डेफिनेटली एक मोबाइल एक DSLR से कंपेयर नहीं करता है, पर उसमें ज़मीन आसमान जितना फ़र्क नहीं होता। सो बेसिकली टू गिव यू लाइव एग्जांपल, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेम वीडियो को अपने मोबाइल कैमरा से, और जस्ट टू शो यू कि अगर प्रॉपर लाइटिंग है आपके पास में तो आप भले ही स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो या कोई DSLR यूज़ कर रहे हो, ऑल दो बट ओबियसली जो बैकग्राउंड सेपरेशन वाली चीज़ें हैं वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से उभर के आती हैं कैमरा में, बट इट डजेंट रियली चेंज इट वेरी मच। तो अगर लाइट आपके पास में प्रॉपर है ना, तो आपका जो भी इक्विपमेंट है वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देगा। सो द बेस्ट थिंग दैट यू नीड टू सी एंड विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लाइट आपकी जो वीडियो है उसमें प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है महंगे, कोई बात नहीं है, आपको हज़ार रुपये खर्च करके इक्विपमेंट खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको खाली लाइट लेनी है। अगर लाइट आपके पास में प्रॉपर है, अगर आप अभी देख सकते हैं वो मेरा कैनन 200D Mark II है और ये मेरा मोबाइल है, लेकिन आप अगर क्वालिटी देखेंगे तो बहुत ज़मीन आसमान जितना ही फ़र्क नहीं हो जाता है, बट ओबियसली ये 80 है तो वो 100 है, 110 टाइप है। सो ये छोटा डेमो मैंने आपको इसलिए दिया है कि आपको ये समझ में आए कि जो मेजर पार्ट है किसी भी वीडियो का वो होता है लाइटिंग। सो आपको वीडियो का जो मेजर एलिमेंट है, जो हम लोग नॉर्मली पता नहीं होता या हम इग्नोर कर देते हैं बिकॉज ऑफ ऑल द हाइप अराउंड पीपल, लोग बड़े बड़े सेटअप यूज़ करते हैं, तो उसमें ये जरूर सोचना चाहिए हमें और देखना चाहिए। और तो आपको मैंने सामने डेमो दिया है कि लाइट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सेटअप। हाँ, जैसे ट्राईपॉड, अभी मेरी वीडियो काफ़ी हिल रही है तो आप एक ट्राईपॉड ले सकते हैं। ट्राईपॉड इज़ नॉट समथिंग दैट विल कॉस्ट यू अ लॉट। नॉर्मल ट्राईपॉड लेंगे, एक नॉर्मल आप उस सेटअप में अपने मोबाइल को अगर लगा देते हैं, एक छोटा सा 1000-1500 रुपये का अगर आप माइक्रोफोन लगा लेते हैं, तो ये सब चीज़ें नॉर्मली आप अफोर्ड कर सकते हैं। इतना सब सेटअप इज़ ओके, ये थोड़ा मिनिमल लेवल का एसेंशियल टाइप की चीज़ होगी। बाकी आपका माइक्रोफोन अगर बराबर है, आपकी ऑडियो बराबर है, तो कैमरा आपका मोबाइल का भी सफिशिएंट है इफ़ यू गेट गुड इनफ लाइटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर वीडियो क्वालिटी इज़ एक्चुअली द लाइट, क्योंकि टेक्निकली ऑल यू आर कैप्चरिंग एज अ वीडियो इज़ नथिंग बट लाइट ओनली ना। आप जो भी देखते हो वो लाइट ही तो है, रिफ्लेक्टेड लाइट है या एमिटेड लाइट है। सो योर कैमरा कैप्चर्स द सेम लाइट, कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रॉनिक डेटा एंड योर स्क्रीन शोज इट बाय कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रॉनिक डेटा बैक टू द लाइट। इट्स ऑल अबाउट लाइट ना एट द एंड ऑफ द डे। सो व्हेनेवर यू हैव अ चैलेंज नेक्स्ट टाइम, ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी वीडियो में और कुछ आप दे पाएँ ना दे पाएँ, एक नॉर्मल बेसिक्स का माइक्रोफोन जरूर यूज़ करें। जो भी आप इक्विपमेंट है, चाहे मोबाइल हो या कैमरा हो, उसके साथ में लाइटिंग आपकी प्रॉपर हो, तो इतना अगर आप ध्यान रख लेंगे तो बेसिक एक जो मेंटल हर्डल होता है हमारे दिमाग में कि यार ये बराबर काम करेगा या नहीं करेगा, उसको आप पार कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहे, आनंद में रहिए।